बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज फोजी फाउंडेशन स्कूल विहारी। हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। सो फोर्थ क्लास टुडे आवर साइंस टॉपिक इज चैप्टर नंबर 7, सेफ्टी फर्स्ट। ऑब्जेक्टिव्स स्टूडेंट, आज के हमारे लेक्चर के ऑब्जेक्टिव हैं, यू विल बी एबल टू लर्न सेफ्टी एट होम, सेफ्टी इन किचन, अवॉइड गेटिंग पॉइजन, सेफ्टी ऑन रोड, अबाउट फर्स्ट एड एंड फर्स्ट एड रूल्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सेफ्टी एट होम, होम सेफ्टी। द वर्ल्ड हैज मैनी ब्यूटिफुल एंड यूजफुल थिंग्स। Many of these can be dangerous if we do not use them properly or if we are careless. Our carelessness can cause accidents resulting in injury or even death. Safety rules have been made to help us avoid accidents. दुनिया जो है वो बहुत खूबसूरत है, हमारे लिए बहुत ही चीजें फायदेमंद है, लेकिन वो जो हमें फायदा देती हैं अगर हम उनको लापरवाही के साथ इस्तेमाल करेंगे तो वही चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकती हैं। अब उनसे बचने के लिए कुछ असूल अपनाए जाते हैं, वो असूल कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सेफ्टी एट होम में कौन कौन से हैं? एक्सीडेंट्स एट होम आर मेनली कॉज्ड बाय फायर, इलेक्ट्रिसिटी एंड बाय शार्प थिंग्स सच एज नाइफ, सीजर एंड ब्रोकन पीसीज ऑफ ग्लास। ठीक है, घरों में जो हादसात हैं वो ज़्यादातर किससे होते हैं? आग से, बिजली से, शार्प नुकीली चीजों से जैसे कि छुरियां, कैंचियां और ब्रोकन पीस किसी ग्लास के टूटे हुए टुकड़ों की वजह से जो है वो, और हमारी लापरवाही की वजह से बहुत ज्यादा हमें नुकसानात या हादसात का सामना करना पड़ता है। डू यू नो व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ एक्सीडेंट? सबसे जो वजह बड़ी क्या है हादसात की, वो है केयरलेसनेस, आपकी लापरवाही। ठीक है, तो लापरवाही नहीं करनी, आपने केयर के साथ जो है वो घर में इन चीजों से बचना है ताकि आप सेफ रह सकें। इंडोर सेफ्टी में देखते हैं कौन कौन सी हैं? पॉइजन, टॉक्सिक थिंग्स, कुकिंग हैजर्ड्स, हॉट थिंग्स, शार्प थिंग्स, पिंचिंग हैजर्ड्स एंड इलेक्ट्रिकल शॉक हैजर्ड्स। कौन कौन से खतरा आते हैं? जहरीली चीजों से, ठीक है, किसी चीज का इलम ना हो और केमिकल्स वगैरह को हम लोग चेक कर लेते हैं उसकी वजह से, गर्म चीजों की वजह से, नुकीली चीजों की वजह से, पिंचिंग हैज़र्ड हैं, और उसके बाद है बिजली के जो बहुत ज्यादा खतरात का हमें सामना करना पड़ता है। सेफ्टी इन किचन, किचन में सेफ्टी कैसे होती है? किचन इज अ प्लेस वेयर मैनी यूजफुल बट डेंजरस थिंग्स सच एज फायर, इलेक्ट्रिसिटी एंड नाइव्स आर यूज। We have to be careful while working in the kitchen. Nylon cloths catch fire very easily. Never wear them in the kitchen. Wear only cotton or woolen cloth. Keep away from the stove when food is being cooked. Do not play with matchboxes. Fire the food when it is being cooked or steamed. Escaping from it can cause serious burn. ठीक है, किचन ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी खतरनाक चीजें भी होती हैं। कौन कौन सी? आग, बिजली, छुरियां, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। आपने कभी भी नायलन के क्लोथ पहन के जो है वो किचन में काम नहीं करना। हमेशा जब भी किचन में काम करना है तो कॉटन के और वूलन के क्लोथ पहन के करें। मैच बॉक्स, माचिस की डिब्बियों के साथ मत खेलें। ठीक है, नेवर प्ले विद इलेक्ट्रिक स्विचेस, सॉकेट और इलेक्ट्रिक गैजेट्स इन द किचन और एल्सवेयर इन द हाउस। Do not touch them with wet hands or while standing on a wet floor. Electric shock can cause even death. ठीक है, आपने कभी भी बिजली के स्विचेस के साथ नहीं खेलना। अगर आपके हाथ गीले हो तो आपने उनको हाथ नहीं लगाना। अगर आपके पाँव के नीचे पानी है तब भी आपने उनको हाथ नहीं लगाना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के करंट की वजह से जो है ये मौत का सबब भी बनती है। ठीक है, being careless with them, कौन कौन सी? नाइफ और सीजर के साथ जो है आपने बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करने हैं। चेक फॉर कम्बस्टेबल मटेरियल्स अराउंड द कुकिंग सरफेस
like oven, mat or kitchen towels. Keep a fire extinguisher in or near the kitchen. ठीक है, इसको सिलेंडर को या तो आपके पास रखें उसके, या इसको सेफ्टी में रखें, या फिर इसको किचन से बाहर रखें. नेवर लीव चिल्ड्रन अनअटेंडेड इन द किचन. नेवर लीव फूड अनअटेंडेड. बी केयरफुल और लो सॉफ्ट क्लोथिंग लाइक फ्लोइंग स्लीव और एप्रन. ठीक है, ऐसे कपड़े जिनके आप लटकने का खदशा हो उनको आपने इस्तेमाल नहीं करना, वो आग को आसानी से पकड़ लेते हैं. नेवर पुट वाटर ऑन अ ग्रीस फायर. ठीक है, अवॉइड फ्रॉम फॉल्स. अब हम गिरने से कैसे बच सकते हैं. ठीक है, डू नॉट रन अप एंड डाउन ऑन प्ले ऑन स्टेयरकेसेस. यू मे ब्रेक योर बोन इफ यू फॉल. कीप द फ्लोर्स ऑफ योर हाउस क्लीन एंड ड्राई. अ वेट फ्लोर कैन बी स्लिपरी एंड कैन कॉज बैड फॉल. इफ यू लीव योर टॉयज और अदर थिंग्स लाइंग ऑन द फ्लोर, समवन कैन ट्रिप ओवर देम एंड फॉल. दिस कैन बी स्पेशली डेंजरस फॉर ओल्ड पीपल लाइक ग्रैंड पेरेंट्स. ठीक है, आपने जो है वो कभी भी सीढ़ियों पर नहीं भागना. अगर आप गिर जाएंगे तो आपकी बोन के लिए खतरनाक होगा. आप जो है वो आपकी बोन्स टूट सकती हैं. गीले फ्लोर पे आपने नहीं चलना. आप लोग स्लिप हो सकते हैं. ठीक है, अपने फ्लोर को, अपनी जमीन को, अपने घर की जमीन को हमेशा साफ सुथरा और क्लीन और ड्राई रखें. ठीक है, और टॉयज जो है वो आपने नहीं फेंकने. कोई भी बुजुर्ग अगर आपके घर में है तो वो उन टॉयज पे स्लिप होके गिर सकता है. अवॉइड गेटिंग पॉइजन. डू नॉट ट्राई टू टेस्ट एनीथिंग यू आर नॉट श्योर अबाउट. सेवरल मेडिसिन आर पॉइजनस फॉर चिल्ड्रन. स्टेल फूड शुड बी आल्सो बी अवॉइडेड. इट कैन कॉज फूड पॉइजनिंग और स्टमक प्रॉब्लम. ठीक है, आपने कभी भी जो चेक किए बगैर कोई चीज इस्तेमाल नहीं करनी. काफी सारी मेडिसिन जो है वो बच्चों के लिए खतरनाक होती हैं. स्टेल फूड यूज नहीं करनी और फूड ऐसी जो के वो क्या करती है, हमारे फूड पॉइजनिंग कर देती है और मैदे की बीमारियां पैदा करती है. स्टेल फूड, ठीक है, कैंस में बन जाती है. ओके, आगे मूव करते हैं. सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड. हियर आर सम सेफ्टी रूल्स. Never run while crossing the road. क्रॉस करते हुए कभी भी भागना नहीं है. Always walk on footpath. Cross the road only at zebra crossing. ठीक है, हमेशा जो है वो रोड क्रॉस करनी है zebra crossing को इस्तेमाल करते हुए. The zebra crossing is meant for you to cross the road. Look carefully on board sign. Cross the road when it is clear. दोनों साइड पे देख के जब साफ हो तब आपने उसको क्रॉस करना है. ठीक है, These are only some of the safety rules that should be followed. But there are other danger in school, on the playground and in the other places that can be avoided if you are be careful. ठीक है, इसी तरह आप स्कूल के रूल्स को भी फॉलो करके अपनी हिफाजत कर सकते हैं, प्लेग्राउंड के रूल्स को फॉलो करके भी हिफाजत कर सकते हैं. सो बी सेफ्टी कॉन्शियस एंड लिव अ हैप्पी एक्सीडेंट फ्री लाइफ. ऑलवेज रिमेंबर ट्रैफिक लाइट्स टेल यू टू गो. ठीक है, तीन लाइट्स आप देखते हैं. रेड ट्रैफिक लाइट्स टेल यू टू स्टॉप. येलो ट्रैफिक लाइट टेल यू टू बी रेडी. ग्रीन ट्रैफिक लाइट टेल यू टू गो. ठीक है, रेड जब होती है तो आप इसका मतलब है आपने रुक जाना है. येलो जब होती है तो इसका मतलब आपने मूव करने के लिए रेडी होना है और ग्रीन लाइट पे आपने मूव करना है. व्हाट इज फर्स्ट एज. समटाइम्स इवन पीपल आर केयरफुल एक्सीडेंट हैपन एंड समवन कैन गेट हर्ट. We should never panic in such a situation. The first help that an injured person needs is called first aid. First aid is the immediate aid that is given to any person who suffers accident or any sudden diseases by those who are near to home before taking to the patient to the hospital or to the doctor. बाज़ औक़ात हम जब हादसे का शिकार हो जाते हैं तो हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं. हमने ऐसी सिचुएशन में परेशान नहीं होना. ठीक है, हमने क्या करना है, फर्स्ट एड यूज करनी है. फर्स्ट एड क्या होती है, फौरी इमदाद होती है जो किसी भी आदमी को या किसी भी मरीज को एक्सीडेंट के फौरन बाद दी जाती है. वो कौन सी इमदाद होती है, उसको हॉस्पिटल ले जाने से पहले जो इमदाद दी जाती है वो होती है फर्स्ट एड. फर्स्ट एड बॉक्स होता है, उस बॉक्स में क्या क्या होता है. कंटेन्स क्लीन कॉटन बैंडेजेस, एंटीसेप्टिक लिक्विड, ऑइंटमेंट, सीजर एंड बैंडेज कैप टेप. ठीक है, सॉरी इट
स्टेप कौन कौन सी चीजें होती हैं, क्लीन साफ कॉटन, बैंडेजेस, पट्टियां, एंटीसेप्टिक लिक्विड कोई भी, ऑइंटमेंट, ऑयल लगाने के लिए कोई मरहम लगाने के लिए मरहम होती है, सीजर, कैंची एंड बैंडेज टेप, और टेप होती है उसको बंद करने के लिए या उसको बांधने के लिए, ठीक है। When do we need to give first help? कब हमें जरूरत होती है? In emergency situations like fires, natural disasters, sunburning, square cutting, road accidents, safety rules breaking, frost bites, what other emergency situation can be? कोई भी इसके अलावा और भी बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं जिनमें हमने फर्स्ट एड दी जाती है या देनी होती है। What rules you must follow when giving first aid? कौन कौन से rules आपको follow करने चाहिए? Handle the situation calmly. Do not crowd around the injured. Allow the injured person to sit or lie. Give some water to the injured if he or she is conscious. Tie tight clean bandage if bleeding. Call for the doctor or take the injured to the hospital. ठीक है, आपने जो है वो सूरत हाल को बहुत सुकून के साथ हैंडल करना है। अगर कोई जो बीमार है उसके इर्द गिर्द आपने रश नहीं लगने देना, ठीक है। अगर पर्सन जो है वो बैठा हुआ है तो उसको लिटा दे और उसको पानी दे, अगर वो बेहोश है, अगर उसके खून निकल रहा है तो बैंडेज बांध दे टाइट करके और फिर डॉक्टर को बुला लें और या फिर उसको हॉस्पिटल ले जाए, ठीक है। मूव, डू नॉट मूव द इंजर्ड पर्सन इफ ही और शी ब्रोकन अ बोन, अगर उनकी हड्डी टूट गई है तो उसको मूव ना करें। If the injured person is bleeding, wash wound with warm water. गर्म पानी के साथ धो दें, clean bandage को बांध दें, keep flies and dust away from the wound. और जख्म से जो है वो मक्खियों को खत्म कर दें। If a person has fainted, make him lie down with the head kept lower the body. If a person has burnt himself, immediately wash the burn with plenty of cold water. अगर किसी का हाथ जल गया या जल गए हैं तो फौरन ज्यादा सारे पानी के साथ उनको धो दें, ठीक है। Take injured person to the hospital or clinic as soon as possible. जख्मी को जितनी जल्दी आप मुमकिन है उनको हॉस्पिटल ले जाएं। तो ये हमारा लेक्चर था। Now here is your assessment. ये assessment questions आप अपनी नोटबुक पे स्कूल की सॉल्व करेंगे और इनको अच्छी तरह लर्न करेंगे। Write the rule for safety in kitchen. How we can avoid from falls and getting poisoned. Write main traffic rules. What is first aid? What rules you must follow while giving first aid? What things at home can cause poisoning? What will you do if an injured person had a bleeding wound? And what will you do if a person has fainted? In questions ke answer aap write karenge aur learn karenge. Thank you so much. Allah Hafiz. Take care.